दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था और लगभग इस मामले की जांच 3 महीने से चल रहा है और अब इस मामले में बहुत बड़ा फैसला आया है। इस मामले में जो सुशांत सिंह राजपूत के वकील थे, उन्होंने एम्स ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया था उस पर कई सवाल उठाया था और कहा था कि सुशांत की मौत हत्या है, लेकिन एम्स ने जो रिपोर्ट तैयार किया था उसके अनुसार यह आत्महत्या है। और सुशांत सिंह के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि एम्स की रिपोर्ट अधूरा और झूठा है, और उन्होंने कहा था कि एम्स के डॉक्टर ने सुशांत की बॉडी की ठीक से जांच नहीं किया था, बल्कि जो फोटोग्राफ्स यानी कि फोटो मिले थे उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार किया है। उन्होंने इस मामले को लेकर सीबीआई डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि वह इस मामले के लिए नई फॉरेंसिक टीम बनाकर मामले की दोबारा जांच कराएं। अब इतने दिनों के बाद सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं। कौन कौन से सवाल का जवाब दिया गया है आप भी जान लीजिए। पहला सवाल है, सुशांत का पोस्टमार्टम मौत वाले दिन ही सूरज ढलने के बाद क्यों किया गया? पोस्टमार्टम टीम ने इसका जवाब दिया कि पुलिस के अधिकारी हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे पोस्टमार्टम करने को कहा, इसलिए हमने कर दिया। दूसरा सवाल यह है कि टीजर गन थ्योरी को लेकर क्या कहना है? टीम ने इसका जवाब दिया, टीजर गन हमेशा गर्दन पर जैसे कोई जलता है वैसी निशान छोड़ देती है, लेकिन सुशांत के गले में जो निशान थी वह सिर्फ यह साबित करती है कि वह लटकने के कारण हुए हैं। तीसरा सवाल यह है कि सुशांत के पोस्टमार्टम में मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया है? इसका जवाब पोस्टमार्टम टीम ने बताया कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि पोस्टमार्टम से 10 से 12 घंटे पहले सुशांत की मौत हुई थी। चौथा सवाल यह है कि जिस फंदे से सुशांत ने फांसी लगाया था वह सुशांत का भार उठा पाएगा या नहीं? इसका जवाब पोस्टमार्टम टीम ने दिया है कि वह कपड़ा लगभग 200 किलो तक वजन झेल सकता है। एक और सवाल सुशांत की जांच को लेकर था कि जो ऑटोप्सी 3-4 घंटे में होती है वह सुशांत के मामले में 90 मिनट में कैसे हो गया? इसका जवाब पोस्टमार्टम टीम ने दिया कि पोस्टमार्टम करने में 1 घंटा लगता है और कोई जरूरी नहीं है कि 2 से 3 घंटे लगे। दोस्तों यह कुछ सवाल था सुशांत की मौत को लेकर जिसका जवाब पोस्टमार्टम टीम ने दिया। बाकी हम आप पर छोड़ते हैं और इस मामले में आपका क्या मत है जानना चाहते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।